सो गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे कल खाना खाने के बाद सो गए जल्दी से, और एज यू कैन सी टेंट पे जम गई है ये हल्की हल्की आइस। और ये कुछ हिम्मत है लो लोग ब्रश कर जा रहे मैडम कैसा होता है ये सब हरकतें करने का आपका कैसे मन करता है कर लिया जाए सच में। और ये पानी लेके ब्रश करो गरम पानी ये काले में थोड़ा सा बर्फ ले लो बस बेटा अब चलते हैं एंड दिस इज द कंडीशन बिहाइंड टेंट्स। ये देखिए बोल सुनाओ मैं और प्रसाद भाई ये प्रसाद भाई हेलो हम लोग बैग पैक करने वाले अभी रुको कपड़े उतारने अरे सबसे हल्का सामान नीचे सामान बीच में एबीसी पार्ट्स होता है तो हल्का सामान जैसे डाउन जैकेट थर्मल्स फिर भी बैग नहीं भरता ये सब जाएगा नीचे। सो अभी हो चुके हैं तैयारी और बैग पैक कर लिए मैंने जैसे कि आपने टेंट में देखा और बस अब चाय तो हो गई नाश्ता करेंगे और निकलेंगे और बस आई ये फैक्ट सन है सन निकला हुआ देखो और ये सारे नाश्ता कर रहे और अपने प्रसाद भाई दूर से काफी दूर से अरे बर्फ में फोटो नहीं आ रहे मैंने ट्राई किया रिफ्लेक्ट हो रहा है बस जाके थोड़े फोटोज निकाले थ्री पूरा सेम वैसे ही क्लीन होना चाहिए ओके सब लोग यहाँ से पानी भर के जाएंगे आगे आपका जूड़ा के लिए यहाँ से 300 मीटर आगे सब लोगों के बैग एक साइड पे रखे होने चाहिए वहाँ पे अभी शायद 1500-2000 लोग होंगे सबके बैग ऐसे बिखरे होंगे आप सो वी आर लेफ्ट फ्रॉम जूड़ा का तालाब और अब जूड़ा का तालाब बेस कैंप एक्चुअली और अब जाएंगे जूड़ा के तालाब की तरफ कल के जैसे जगदीश भाई लीडिंग विद फरीन एंड पूजा बस यही आज का दिन यही से स्टार्ट है वाह हमारे जगदीश भाई कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है हमको लीड करके बढ़िया लग रहा है झेल रहे अभी तक तो जितना समय गुजरा है वो सही था इसके बाद देखते हैं इसके बाद भी सही होगा उम्मीद करते हैं कि सही रहे हाँ सही रहेगा ज्यादा उम्मीद पूजा से है हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं आज तक थोड़ी देर के बाद मिलेंगे और इधर ही आपको ये वाला
और इधर आपको गुफा दिखाएंगे स्क्रीन नीचे की साइड से ओके। और आओ इधर, ये पीछे रूपीन का रेंज पड़ता है, दिखता नहीं यहाँ से। और इधर थोड़ा आगे खाली दिख रहा है, इधर ये विजय टॉप है ओके, जिसपे जो नंगी पहाड़ी है। और आगे जाएंगे, इधर से साफ दिख नहीं रहा है, तो फिर चांगशिली घाटी है, और उधर उधर फिर जो नंगा पर्वत है वो है, ऊपर से दिखता है सही। आराम से आराम से आराम से, डिस्टेंस रखो एक दूसरे से, आधे तो स्टिक से ग्रिप ले। स्टार्ट। थोड़ा गणपति विसर्जन भी कर रहे हैं। सो दिस इज द जूनागढ़ तालाब, दिस इज अ फ्रोजन, फिलहाल तो ये फ्रोजन है, तो ये दो तालाब में जो जॉइंट हो गए, इसलिए 4-5 साल पहले इसे जूड़ा का तालाब बुलाने लग गए थे, ऐसा हम लोग को बताया था बाइक में, तो उस हिसाब से ये जूड़ा का तालाब। और बोलो जुड़े हुए थे, अब पिछले बार से भी काफ़ी डिस्टेंस है, अब शायद अगर 1-2 साल बाद आओ तो और दूर चला जाए। बनती नहीं है ना, दूसरी मिल भी नहीं सकती, लाइन दिख रही है। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स दिस अदर साइड ऑफ लेक, ये दूसरी बाजू सोचा जाके एक्सप्लोर किया जाए थर्ड रास्ता। और इधर रोकने के लिए एकदम खड़े हो जा, यही से करेगा स्लाइड। अरे यार बहुत सुबह चिल्लाया था, चलते ना मैं भी आ रहा हूँ, लगता है बर्फ पड़ने। वहाँ पानी है, मैंने लकड़ा ऐसे ऐसे करने का, ये गिरने टूट जाएगा, गिरना नहीं गिरता, पैर उठा के पैर उठा के, वाह बस बहुत है। तूने केदार कांता अंधे होके किया था बोला, ब्लाइंड पर्सन डूइंग, वो महाभारत महाभारत में गांधारी तो ऐसी बन रही। मैं देख रही हूँ समिट तक पहुंचने तक आंखें नहीं खोलेंगे मैं, है ना? हाँ फरीन, हाँ देखो मैडम कैमरा इधर है, हाँ इधर 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 बस बस बस, इन अच्छे लोगों ने मेरी मदद की है रास्ता बताने में, दुआओं में याद रखना, तुम लोगों को अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाएगी। भैया क्या हो गया आपको? गिर गए थे हम, तो अभी सबमिट कैसे करने वाले हो? ऐसे ऐसे करोगे एक पैर से, अरे इसको उठा के ऐसे हाथ में ले लेंगे तो कंधे पे डाल देंगे बाबा राम देव। सो दिस इज हाउ ऐसे तैयार होना है स्नो में, और ये गॉगल्स जरूरी है क्योंकि सनलाइट है जो स्नो पे रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो अंधे हो सकते हो, मीन्स स्नो ब्लाइंडिंग होती है, लाइट ब्लाइंडिंग होती है, तो कुछ महीने तक आपको सिर्फ वाइट वाइट दिखेगा, तो इसलिए ये यूवी प्रोटेक्शन गॉगल्स। और बस अबाउट टू रीच कैंप, काफ़ी स्नो में चला, डीप स्नो में चला, बस चले जा रहे और बैक टू माय फेवरेट प्लेस पीछे इन द साइलेंस, और काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ मैं ये ट्रैक, और सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है जब ऐसा करो। और
नील सारे काफ़ी देर तक चार्ज नहीं दिए नील सारे फोन का अंदर रख के फिर से रूट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और मिलते हैं फिर कैंट में। टेंट में जाने के बाद ऐसा कुछ माहौल है और देयर इज द पिक। आई होप आप देख पा रहे और ये वो पिक और ये क्लाउड्स देखिए कैसे टेम्परेचर होगा लगभग ऑलमोस्ट होगा 2 degrees 3 degrees क्योंकि स्नो है और बस आई वुड से कि ये जो कभी कभी हम लोग को जैसे गर्म चीज़ों की वेव लगती है हीट करते हैं या फील होती है ऐसे मुझे फिलहाल स्नो में फील हो रही है और आई एम एंजॉइंग। यही बोलना था बोल दिए मिलते हैं टेंट में। सो लाइक आई सेड लास्ट टाइम चेक दिस आउट कंप्लीट वाइट वॉश और ये पूरा बर्फ से ढका हुआ और सब मज़ा आ रही है। एक दो स्नोबॉल्स भी अभी बना के फेंके बड़ा मज़ा आया पर हाथ फ्रीज हो जाते जितना दिखता है उतना अच्छा है नहीं वो। तो अभी फ्रीज माय बेस कैंप चेक दिस आउट यू कैन सी टेंट ये टेंट में रहने वाले और ये केदारघंटा समिट बेस कैंप है। तो आज रात 2 बजे हम लोग निकल जाएंगे समिट के लिए और रात को तो वीडियो नहीं बना पाएंगे और बस करेंटली टेम्परेचर मस्ट बी 2 to 3 degrees हियर और द आल्टीट्यूड इज 11,250 feet विच इज अप्रॉक्सीमेटली 3,429 meters और बस जाते टेंट की तरफ बाकी लोग इंतज़ार कर रहे हैं।